है ये, और वी छोटा आर ऑल्सो मैं ट्राइंग दिस फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक द एक्सपीरियंस विल बी नाइस। तो कैसा लग रहा है आप अब अंदर पहली बार आए हैं, तो कैसा इसका फीलिंग लग रहा है बताइए। बहुत कंफर्टेबल, तो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अलग सा अमेजिंग सा बना है लोगों से। और यहाँ पे सब बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा फैसल खान, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी जितने भी वर्ल्ड बिहार का ये सबसे पहला मतलब सिनेमा हॉल खुला है, मतलब इसके बारे में मतलब सो के बैठने वाले, तो ये मतलब इसके बारे ये स्मार्ट थिएटर हुआ कॉन्फ्लेक्स स्मार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं अनीश और आप देख रहे हैं अनीश ब्लॉग। सो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला जो काफ़ी खास होने वाला, सो हम आ चुके हैं बेली रोड पैंटालून के पास और पिलर नंबर 30 के पास है इसका लोकेशन, जो मेरे पीछे दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स थिएटर जो पहली बार बिहार में पहली बार बन के ये तैयार हुआ है। सो इसके अंदर चलते हैं, इसमें क्या पब्लिक रिव्यू है, क्या इसका प्राइसिंग रेट है। सो को काफ़ी देर से हम लोग का इंतजार था कि ये कब बन गई है कॉम्प्लेक्स ये बना और इसमें फैसिलिटीज़ है शो के भी देखने के लिए, तो चलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर है और यहाँ से हम लोग सीधा सीढ़ी से चल रहे हैं, तो लिफ्ट भी है और यहाँ पर अब सीढ़ी भी है तो सीढ़ी से भी जा सकते हैं हम लोग। अभी लिफ्ट लिए तो लिफ्ट चलते हैं, थर्ड फ्लोर पर है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट प्लिक्स स्मार्ट थिएटर है और यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री वहाँ पे से है। और तो मतलब बिहार का ये सबसे पहला मतलब सिनेमा हॉल खुला है, मतलब इसके बारे में मतलब शो के बैठने वाले, तो ये मतलब ये स्मार्ट थिएटर हुआ कॉन्फ्लेक्स स्मार्ट थिएटर हुआ ये। इसमें आपको टू टाइप्स के सीट्स है, लॉन्जर एंड मिरर। लॉन्जर सीट्स है जो हमारी स्लीपिंग सीट्स हैं और जो मिरर सीट्स प्राइसिंग जो है मतलब वो भी मैं बता रही हूँ। जो लॉन्जर सीट्स है वो स्लीपिंग सीट्स हैं एंड जो मिरर सीट्स है वो सोफ़ा सीट्स है हमारी। तो लॉन्जर सीट्स की जो प्राइस है वो 260 है और जो सोफ़ा सीट्स है हमारी मिरर सीट्स उसकी 250 प्राइस है सर। सो अब मतलब टाइमिंग इसका बता दीजिए। और टाइमिंग आपको 9:30 से स्टार्ट है और रात की जो शो है सर 9:05 या 10:30 से। 10:30 से मतलब खुला कब, मतलब ये ओपन कब हुआ, किस दिन हुआ? ओपन ये 19 को इनॉग्रेशन हुई है इसकी और 20 को ये ओपन हो गई है। 20 को ये ओपन हुआ और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं तो इसका एड्रेस भी मैम बताएंगे, तो एड्रेस बता दीजिए। ये हो गया BS कॉम्प्लेक्स है हमारा, जिसमें ब्रांड फैक्ट्री थी पहले, उसी में ये थर्ड फ्लोर पर है, बेली रोड पिलर नंबर 30 मैम। तो ठीक है मैम बताने के लिए, यू आर वेलकम। सो गाइस अभी लो अंडर एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे कैफे भी छोटा सा बन जाएगा, बॉक्स ऑफिस भी है यहाँ पे, काफ़ी अलग बॉक्स को खाने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अलग सा अमेजिंग सा बना है। तो अभी चालू है, चलते हैं अंदर, अंदर बताएंगे अगर पब्लिक रिव्यू है। सो गाइस हम लोग सुबह सुबह नेक्स्ट हो गया है, और मतलब प्राइसिंग कितना है इसका बताइए? 250 एम एम है, तो ठीक है भाई, थैंक यू बताने के लिए। देख सकते हैं फैजल खान का फोटो है और यहाँ पे सब बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा फैजल खान, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं और सबका फोटो मिल जाएगी। और इस साइड पर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाएगा, काफ़ी अच्छा मतलब सिनेमैटिक से जो बताते हैं, मतलब कि पूरे बिहार में मतलब सबसे पहली बार ये बना है शो के देखने वाला ये सिनेमा हॉल। और इसके बारे में पूछते हैं पब्लिक से भी रिव्यू, और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे बैकग्राउंड है, ग्रेफाइट भी अच्छा बनाया गया है और लोगों को भी लिए अच्छा है, तो पब्लिक से पूछते हैं, सुबह अलग से पूछते हैं तो कैसा लगता है यहाँ आके। और अच्छा सा मिरर है यहाँ पर, देख सकते हैं काफ़ी अलग से बनाया गया है और काफ़ी अच्छा से बनाया गया। और इस साइड में देख सकते हैं और यहाँ पे पूछते हैं सुबह एक बार चैनल पे हाय कर दीजिए। बस भाई हाय कैसा लगा, मतलब कहाँ से आप अंकल बात कर रहे हैं? पहली बार ये बिहार में खुला है, इसके बारे में बता सकते हैं भैया? हाँ फर्स्ट टाइम। सो गाइस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया गया, पीछे भी चलते हैं और यहाँ पे गेट नंबर 2 है और यहाँ पे से भी देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा सा ग्रेफाइट बनाया गया है। और पीछे से बताते हैं आप लोगों को क्या क्या इसमें है और क्या क्या नहीं है। सो पब्लिक से भी पूछे, कुछ लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं तो उनसे पूछते हैं, सो पूछ के बताते कैसा लगा मैम फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे विजिट। बहुत अच्छा। सब लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बगल में रहते हैं पासपोर्ट ऑफिस के पास। मतलब बिहार का ये सबसे पहले ये पहला थिएटर है शो के देखने वाला, काफ़ी अच्छा है। और इसके बारे में कुछ बताइए, साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा है
और हमने देखा कम प्राइस भी है और बगल में भी एक प्राइस भी कम है, काफी लोगों को दूर जाना पड़ता था। सिनेपोलिस से काफी अच्छा है ये। और छोटा मैं आल्सो ट्राइंग दिस फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक द एक्सपीरियंस विल बी नाइस। सो थैंक यू मैम। देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पे एग्जिट है। यहाँ पे से आप लोग एंट्री उधर से है, एग्जिट यहाँ पे से, काफ़ी अलग सा अमेजिंग सा है। और यहाँ पे एक पौधा मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक आपको पॉपकॉर्न के लिए कैफे भी है और यहाँ पे कुछ लोग देख सकते हैं कैफे में खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और लोगों से भी पूछते हैं रिव्यू। यहाँ का काफ़ी अच्छा सा बनाया गया, स्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छा है और मतलब कि साउंड क्वालिटी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ का साउंड क्वालिटी भी अच्छा है और काफ़ी अच्छा सा मतलब फेमस सा बनाया है। सो अंदर भी चलेंगे गाइस, तो लोगों से पूछेंगे रिव्यू से। फर्स्ट टाइम यहाँ आके कैसा? हाय। तो कैसा लग रहा है आप अब अंदर पहली बार आए हैं, तो कैसा इसका फीलिंग लग रहा है बताइए? बहुत कंफर्टेबल है एंड काफी फ्रेश फील हो रहा है, बहुत साउंड क्वालिटी। बिहार में मतलब पहली बार, मतलब बहुत दिन से एक्साइटेड में था कि बनेगा। हाँ। तो लोग है तो बहुत सही, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और इधर भी देख सकते हैं एट साइड में भी एंजॉय लोग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा सब बड़ा है ये। देख सकते हैं स्ट्रक्चर वैसे, साउंड क्वालिटी भी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है। सो जो लोग यहाँ आना चाहते प्लीज आए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। इसमें मतलब पहले बिहार में सबसे पहला बना है, इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब शो के देखने वाला बना है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे, कहाँ से आता है बताइए? पटना से ही, लेकिन हम गए हुए हैं दिल्ली में, देख चुके हैं। दिल्ली में देख चुके हैं। तो यहाँ का मतलब कैसा लगा यहाँ का आके? अभी देखेंगे तो पता लगेगा। थैंक यू बताने के लिए, वेलकम। सिस्टम बहुत ही अच्छा है और काफी अलग सा अमेजिंग सा बना है। लोगों से वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो ऐसे ही न्यू अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तो देख सकते हैं काफी अच्छा है।